हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 15 प्रायिकता, इसकी प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 5 से हल कराऊंगा आपको। देखो बच्चों, बड़ी सरल प्रश्नावली है। इसके पहले मैंने आपको ऐसे 4 तक सवाल हल करा दिए थे। अब देखो बच्चों, हमारे इसमें टेबल है, देखो मैंने बोर्ड पे लिखी है, मासिक आय रुपये में और आगे लिखा प्रति परिवार वाहनों की संख्या। ये कुल 2400 परिवारों का सर्वे किया गया है, जिनमें से अपन को प्रायिकता क्या करनी है। देखो पहले पहले लिखा है टेबल में, ऐसे परिवार ध्यान देना जिनकी मासिक आय 7000 से कम हो, उन परिवारों में प्रति परिवार वाहनों की संख्या कितनी है। 10 परिवार ऐसे हैं, देखो 7000 से कम जिनकी मासिक आय प्रति महीने की आय, तो जिन परिवारों की 7000 से कम मासिक आय उनमें से 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास शून्य वाहन है, यानी एक भी नहीं है। 160 परिवारों के पास एक वाहन, 25 के पास दो वाहन और शून्य यानी 2 से अधिक तो किसी के पास नहीं है। 7000 से कम जिनकी मासिक आय है उन परिवारों में से किसी के पास भी 2 से अधिक तो वाहन नहीं है। 7000 से 10000 रुपए तक की जिनकी मासिक आय है उनमें से शून्य परिवार ऐसे जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, अर्थात सबके पास कोई ना कोई वाहन है। 305 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन, 27 परिवार ऐसे जिनके पास दो वाहन और 2 परिवार ऐसे उनके पास 2 से अधिक वाहन है। 10000 से 13000 मासिक आय जिनकी है इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में एक परिवार के पास तो एक भी वाहन नहीं है, 535 परिवारों के पास में एक वाहन है और 29 परिवारों के पास में 2 वाहन है और एक परिवार के पास में 2 से अधिक वाहन है। 13000 से 16000 तक की जिनकी सैलरी है या मासिक आय है उनमें से 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है और 479 परिवार इस कैटेगरी में आते हैं, उनसे 479 जिन परिवारों की मासिक आय 13000 से 16000 के तक है उनमें से 479 परिवारों के पास में एक वाहन है, 59 परिवार ऐसे जिनके पास में 2 वाहन है और 25 परिवार ऐसे जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। टेबल इसलिए समझ में आ रही है आपके, यहां लिखा 16000 या अधिक, मासिक आय कितनी है 16000 या इससे अधिक हो, तो ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 16000 या अधिक है उनमें से एक परिवार ऐसा है जिसके पास शून्य वाहन है, यानी एक भी वाहन नहीं है, राइट। और 579 परिवार, 579 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में एक वाहन है, 82 परिवार ऐसे जिनके पास में 2 वाहन है और 88 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 2 से अधिक वाहन है। इस टेबल का हमने एनालिसिस कर लिया, इस तालिका का हमने विश्लेषण कर लिया, अच्छी तरह हमारे समझ में आई तालिका, प्रश्न हमारे समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, यहां पे ये कुल परिवार कितने परिवारों का सर्वे है यहां पे, तो यहां लिखेंगे देखो कुल परिणाम लिखना पड़ेगा आपको, कुल परिणाम कितने 2400, ये कितने परिवारों का सर्वे किया गया 2400 परिवारों का सर्वे किया गया, उनमें से ये आंकड़े हमको प्राप्त हुए हैं और हमें
प्रत्यय में क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र में एक बार लिख दूंगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रायिकता बराबर क्या होती है, घटना के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या। बट्टा कुल परिणामों की संख्या। देखो बच्चों, पहला सवाल इसमें लिखा है, ऐसे परिवार की आय जिनकी 10,000-13,000 के बीच हो, 10,000 से 13,000 कौन सी है इस कैटेगरी वाले, और उनके पास कितने दो वाहन हो उनकी प्रायिकता। तो देखो 10,000-13,000 की यही तो टेबल है, इनमें दो वाहन कहाँ है, ये रहा दो वाहन है यहां पे लेके, ये रहा 29। तो ऐसे परिवार जिनकी सैलरी या मासिक आय 10,000-13,000 के बीच में हो और उनके पास दो वाहन है तो कितने अनुकूल परिणाम है, 29 29/2400, ये इसका आंसर। तो ऐसे परिवार जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच में हो, ये रही, और उनके वाहन कितने उसके पास दो वाहन हो, तो उनकी प्रायिकता की 29/2400। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर दो, ऐसे परिवार जिनकी आय 16,000 या अधिक हो, 16,000 या अधिक और एक वाहन हो, तो एक वाहन ये रहा 579। तो ऐसे परिवार जिनकी आय 16,000 या अधिक हो और उनके पास कम से कम एक वाहन हो, मतलब एक वाहन हो, तो ऐसे वाहनों के अनुकूल, ऐसे परिवार के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 579 परिवार है। तो ये 579 कितने में से, 2400 में से, ये आ गया 579/2400। अब देखिए बच्चों हमारे पास इसका तीसरा सवाल, ऐसे परिवार जिनकी आय 7,000 प्रति माह से कम हो, तो देखो 7,000 प्रति माह से कम, ये रहा ये कैटेगरी, और तथा कोई वाहन नहीं हो, तो कोई वाहन नहीं मतलब शून्य। तो 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी सैलरी या मासिक आय 7,000 से कम है, उनके पास एक भी वाहन नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इस कैटेगरी में, 10 हो गए। 10 परिवार ऐसे हैं 7,000 से जिनकी कम सैलरी है, उनके पास एक भी वाहन नहीं है, तो लिखेंगे 10/2400। अब शून्य से शून्य काट देंगे, तो ऊपर बच गया 1/240, ये 1/240 बच गया, राइट। ये भी हमने ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया, ऐसे परिवार जिनके 7,000 रुपए से प्रतिमाह कम आय हो और उनके पास एक भी वाहन नहीं हो, तो ऐसे परिवार हमने छाट लिए। 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी सैलरी 7,000 से कम है प्रतिमाह, तो उनकी प्रायिकता आएगी 1/240। अब देखिए बच्चों हमारा चौथा सवाल, ऐसे परिवार जिनकी आय 13,000 से 16,000 के बीच हो, यानी इस कैटेगरी में 13,000 से 16,000 के बीच में हो और 2 से अधिक क्या होना चाहिए वाहन, तो 13,000 से 16,000 अधिक जिनकी सैलरी है, ऐसे परिवार 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन है, तो अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गए, 25। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों 25/2400, इसको काट कर करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 बार गया, फिर 5 से काटेंगे हम तो देखो 5 × 20, 5×8=40 और 0 की 0, फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 × 5, 5×45 बच गया 3, 5×3 ये आ गया 1/
छियानवे। तो ऐसे परिवारों, ऐसे परिवार जिनकी आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उनके पास दो से अधिक वाहन हो, तो देखो 13,000 16,000 हमारी ये टेबल हमारी यही सारी, इसे 25 परिवार ऐसे जिनके पास दो से अधिक क्या वाहन है, तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/96 होगी, राइट। अब देखिए बच्चों इसके बाद में सवाल नंबर इसका पांचवा, अब देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर पांच, ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं हो, अर्थात ऐसे परिवार जिनके पास एक वाहन तो हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं, हमें कौन कौन से काउंट करने, एक भी काउंट करना है और एक से कम वाले भी, तो जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं हो उनके अनुकूल परिणाम, उनके अनुकूल परिणाम, अब देखो अनुकूल परिणाम ज्ञात करेंगे हम, जिनके पास एक वाहन भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, इस शून्य वाली काउंट कर लो और एक वाली काउंट कर लो, ये एक से ज्यादा वाले हमको काउंट नहीं करने, एक से अधिक वाहन नहीं हो, ये एक से ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये ज्यादा वाले आप काउंट मत करो, एक वाले काउंट कर लो और एक से कम वाले काउंट कर लो, इनको जोड़ दीजिए आप, देखो 10+0+1+2+1, ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास में 10, 1, 11, 11, 2, 13, 14 हो गया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, 160, ये 14 हो गया ना हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इस 14 में जोड़ देंगे 160 प्लस 305 प्लस 535, या आप इसी को कर दो प्लस यहीं पे, ये लो प्लस, ये लो 535 में 479 579, इन सबको जोड़ देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होने चाहिए भैया, तो यहां पे क्या गया 10, 0, 1, 2, 1, 10, 0, 1, 2, 1, 160, ये 14 होने देखो आप, ये लो इन सबको हम जोड़ेंगे, देखो ये अनुकूल परिणाम हो गए, 9, 9, 18, 5, 23, 5, 28 1, 29, 2, 31, 1, 32 की दो हंसने की कितने की 3, 3, 7, 10, 6, 16 की 19, 19 और 6, 25, 25 और 1, 26 की 6 हासिल के 2, 2, 5, 7, 11, 5, 16, 3, 19, 1, 20 ये हो गया अनुकूल परिणाम। अब हम क्या करेंगे, इसलिए इनकी प्रायिकता, तो प्रायिकता कैसे क्या करेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 2,062 बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी 2,400, इनको हम 2 से काट देंगे, ये 2 से काट देंगे 1, 0, 3, 1 2 से काट देंगे 1, 2, 0 तो ये आ गया 1031/1200, ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आज हम ये 5 सवाल से गए, 5 सवाल नंबर 5 के, अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगला सवाल नंबर 6 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 में लिखा है आपकी, इसमें लिखा है कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए, जो कि देखो मैंने बोर्ड में बना दी, आपका अध्याय 14 मैंने आपको पढ़ाया था ना बारंबारता वाला, अब देखो आप ध्यान समझना, उसकी ये सारणी है 14.7 अध्याय की, ये अंक है, इधर विद्यार्थियों की संख्या, इसमें से हमको 2 प्रश्न उत्तर देने, गणित की परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारे पास क्या है, हमको 2 सवाल हल करने हैं,
ठीक है। तो ये अध्याय 14 की मैंने सारणी नंबर 6 बना दी, देखो ठीक है। इसमें लिखा है यहां पे अंक, ठीक है, प्रतिशत में, इतनी विद्यार्थी संख्या, 0 से 20% अंक प्राप्त किए 7 विद्यार्थी, 20 से 30 तक 10, 30 से 40 तक 10 विद्यार्थी, 40 से 50% 20 विद्यार्थी, 50 से 60% 20 विद्यार्थी, 60 से 70% 15 विद्यार्थी, और 70 और अधिक 8, 70 से अधिक 70 या 70 से अधिक कितने 8 विद्यार्थी। हमारा प्रश्न ये है नंबर 1, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो 20% से कम तो यही होगा, 7 ही होगा, बाकी तो सब ज्यादा है, क्योंकि ये कहां से 0 से लेके कहां तक गई है, 0 से 19 तक इसमें काउंट होगा, और 20 से लेके 29 तक इसमें काउंट होगा, एक एक कम करेंगे ना, क्योंकि 30 से अभी आ गया, और 30 से लेके 39 तक इसमें काउंट हो जाएगा, और 40 से लेके 49 ये कम कर देना, 49% तक इसमें काउंट हो जाएंगे, और 50 से लेके 59 तक इसमें हो जाएंगे, और 60 से लेके 69 तक इसमें काउंट हो जाएंगे, और 70 से लेके और अधिक तक इसमें काउंट हो जाएंगे। हमारा प्रश्न क्या है, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक, तो देखो ये 20 तो यहां गया, 20% से कम यहां है, तो 7 विद्यार्थी है। तो गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, ये 7। ध्यान देना हमारे पास में यहां पे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने दे रखे हैं, 90 दिए हुए। अब प्रायिकता कैसे क्या करते हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो घटना कौन सी है, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाली कितने विद्यार्थी है, 7। तो अनुकूल परिणाम लिखेंगे 7 और कुल परिणाम लिखेंगे 90, तो उत्तर आ गया 7/90। अर्थात प्रायिकता हो गई 20% से कम अंक प्राप्त करने वालों की प्रायिकता की 7/90, राइट। अब देखो इसका दूसरा सवाल, दूसरे में क्या लिखा है, एक विद्यार्थी द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो एक विद्यार्थी द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम मिले, करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या, इसका मतलब है 60% भी आ सकता है और 60 से ज्यादा भी आ सकता है, यानी 60 से कम नहीं, 60 भी शामिल कर लेंगे और 60 से अधिक वाले। तो 60 कहां आ रहा है, देखो हमारे पास यहां से आ रहा है, ये तो क्या है 59 तक, यहां से लेके ये क्या है सब, ये सब कम है, ये क्या 60 से कम है, ठीक है। तो इनको तो काउंट मत करना, हमें क्या करना 60%, तो 60% वाला यहां से चालू हो गया, यहां से 60 से लेके 69% तो कितने विद्यार्थी है 15, और 70 से लेके अधिक कितने 8, तो मतलब ये क्या है, ये भी 60% वाले इसमें आ गए, 60 से 69, हमें क्या चाहिए 60 वाला भी चाहिए, 60 से अधिक वाला भी, तो ये दोनों क्या 60 से अधिक है, इन दोनों जोड़ देंगे। एक विद्यार्थी द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या 15 और 8 है, 15 क्या है 60 से ज्यादा है और गुणोत्तर तक है, 60 से लेके गुणोत्तर तक है, तो ये ज्यादा हो गया 60 से, और 8 क्या है 70 से ज्यादा है, तो ये भी 60 से ज्यादा है और ये भी 60 से ज्यादा है, तो 60 से ज्यादा कुल कितने हो गए 15 + 8 = 23। तो 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 60% या उससे अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है। इसलिए प्रायिकता, इसलिए 60% या अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 23 और कुल परिणाम कितने हमारे पास 90, ये करती नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए, 23/90 आ गया, राइट। इस प्रकार बच्चों
ये हमने आज आपको दो सवाल सिखाए प्रश्नावली 15.1 के, और मैं आशा कर सकता हूं कि आज आपको बताएंगे दोनों सवाल बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।